गुजरात का वह मंदिर जिसे विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार तोड़ा पर उसे हर बार फिर से बनाया गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में, जिसके बारे में आपने जरूर पढ़ा और सुना होगा। पर आप यह सोच रहे होंगे कि आज इसका जिक्र करने की क्या वजह है। दरअसल पुरातत्व वैज्ञानिकों को इस मंदिर के नीचे कुछ ऐसा मिला है जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानचंद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टू वर्ल्ड डॉट इन, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस मंदिर के नीचे छिपे रहस्य के बारे में। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिला इमारत होने का पता चला है। IIT गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट ने इसका पता लगाया है। यह जांच प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी नरेंद्र मोदी के आदेश पर की गई। करीब एक साल पहले मोदी ने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में आर्कियोलॉजी विभाग को यह जांच करने को कहा था। मंदिर के नीचे दबी मिली एल शेप की इमारत। पुरातत्व विभाग ने रिपोर्ट में बताया कि मंदिर के नीचे एल शेप की एक और इमारत है। यह भी पता लगा है कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ दूरी पर ही स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। जमीन के नीचे करीब 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि नीचे भी एक पक्की इमारत है। कई बार करवाया गया जीर्णोद्धार। कहा जाता है कि सबसे पहले एक मंदिर अस्तित्व में था, दूसरी बार 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने मंदिर को बनवाया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनैद ने इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। इसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसे तीसरी बार बनवाया। इसके अवशेषों पर मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने चौथी बार निर्माण करवाया। पांचवा निर्माण 1177 में गुजरात के राजा कुमार पाल ने करवाया था। नए मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया। प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1706 ईस्वी में फिर से मंदिर को गिरा दिया था। जूनागढ़ रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जुलाई 1947 में सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया था। नया मंदिर 1951 में बनकर तैयार हुआ और 1995 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।